हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है अपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल बिना क्लासेस में। प्रहलाद लेके हूँ आज आपके लिए स्पेशल रिप्रोडक्शन। किसका? पीथियम का रिप्रोडक्शन देख रहे हैं हम, फंगस बीएससी फर्स्ट ईयर का। ये बॉटनी है, हम पीथियम का स्पेशली एक क्लास फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आप नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। बट उसको देखने के बाद ये क्लास आप देखते हैं तो आपका पूरा का पूरा पीथियम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज देखते हैं उसी का रिप्रोडक्शन। किसका? पीथियम का। एक फंगस है, पीथिएसी का था, ठीक। अब देखो, जब हम पीथियम का स्पेशल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पे टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन हमको कंप्लीट होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। दोनों मेथड से यहाँ पे रिप्रोडक्शन देखा जाता है इसी फंगस में। तो हम क्या करेंगे, पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं एसेक्सुअल के पास, देखते हैं कि क्या कहता है यही हमारा पीथियम अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास, ठीक। यदि आपको ये वीडियो किसी के हेल्प से मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि ऐसे क्लास का अपडेट मैं लगातार देता रहूं। हम फंगस के लगभग लास्ट पोर्शन पे हैं, फंगस कंप्लीट हो जाएगा तो हम एल्गी को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं पीथियम के बारे में, उसका क्या पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो क्या है कि पीथियम के जो सारे स्पीशीज हैं सब में स्पेशली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। कुछ स्पेशल ही ऐसे फंगस होते हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वहीं बात कर लेंगे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो स्पेशल जू स्पोर के द्वारा होते हैं। क्या होते हैं? जू स्पोर के द्वारा होते हैं, और कुछ स्पीशीज में स्पेशली कुनेडिया द्वारा होता है। कैसा होता है? कुनेडिया द्वारा होता है। हम पीथियम ग्राई किसकी बात करें, पीथियम गाइसिल की बात करें, ठीक, और पीथियम मोनोस्पर्मम की बात करें, तो ये कुछ ऐसे स्पीशीज हैं। क्या हैं? कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो फिलामेंट्स क्या करते हैं, फिलामेंटस कह सकते हो, फिलामेंटस स्पेशल, इनमें स्पोरेंजिया पाया जाता है। क्या होता है? फिलामेंटस स्पोरेंजिया पाया जाता है, और इसी स्पोरेंजिया में जू स्पोर बनते हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा क्या है, जू स्पोरेंजियम है। जू स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, हमारे जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन कब होता है, जब स्पेशली पीथियम के सराउंड में, या पीथियम जहां पे अपना रहता है, उसका जहां पे हैबिटेट होता है, वहां पे स्पेशल ज्यादा ज्यादा जब ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर आयली फैटी ऐसे कुछ मटेरियल मिलने लगते हैं उनको, तो वहां पे वो तेजी से जर्मिनेट होते हैं। जब तेजी से जर्मिनेट हो जाते हैं तो जर्मिनेट होने के बाद वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ ये जू स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? जू स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। अब जब जू स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे जब उनका फेवरेबल कंडीशन आता है, क्या आता है, फेवरेबल कंडीशन या फिर हिम्ड क्लाइमेट आता है, उस समय स्पेशली इनमें धीरे धीरे तेजी से क्या होता है कि जो हमारे जू स्पोर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होने लगता है। किसमें होगा? जू स्पोरेंजियम में जू स्पोर का फॉर्मेशन होने लगता है। अब देखो, जब हमारा स्पेशल आर्द्र अवस्था था, आर्द्र मौसम था, तो वहां पे क्या हुआ, हिम्ड था, हिम्ड क्लाइमेट में ये जू स्पोर बनते हैं। जब यही आगे चल के शुष्क या हाइयर टेम्परेचर हो जाता है, क्या होता है, हाइयर टेम्परेचर हो जाता है, तो यही स्पेशल जो हमारे जू स्पोर होते हैं वो स्पेशल जू स्पोरेंजियम में जू स्पोर जो होते हैं वो जू स्पोरेंजियम स्पेशल कोनेडिया के रूप में फॉर्मेट हो जाता है। क्या होता है? कोनेडिया के रूप में फॉर्मेट है। तो कोनेडिया का मतलब समझ रहे, छोटे 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 बंडल होते हैं, हमने एक वीडियो बताया था, आप देख लीजिएगा वहां से। कोनेडिया का मतलब ही यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या कह रहा है, सिंपल फॉर्म में क्या करता है, सबसे पहले ये क्या करेगा, नम अवस्था जहां नम रहता है, लोअर टेम्परेचर में ये स्पेशल जू स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करते हैं, जू स्पोर बनाते हैं। बट जैसे जैसे हाइयर टेम्परेचर आता है, हाइयर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो ये कोनेडिया का फॉर्मेशन करने लगते हैं, मतलब ये कोनेडिया द्वारा अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक। इतना तो हो गया। अब आगे ये देखते हैं कि जब ये कोनेडिया का रूप क्रिएट कर लेते हैं, हम ऐसे बात करें, एग्जांपल है पीथियम, क्या है, पीथियम इंटरमीडियम है, क्या है, पीथियम इंटरमीडियम में ये देखा जाता है जो जू स्पोरेंजिया होता है, जू स्पोरेंजिया एकदम नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल दशाओं में स्पेशल जू स्पोर और कोनेडिया दोनों का फॉर्मेशन करता है। एक बार ये शायद मल्टीपल क्वेश्चन में आया था कि ऐसा कौन सा पीथियम की स्पीसीज है जो स्पेशल
जो हमारे कह लो कि कोनेडिया और सामान्य अवस्था में सिंपल कंडीशंस में कोनेडिया और जो स्पोर दोनों का फॉर्मेशन करता है तो वो होता है पीथियम इंटरमीडियम। क्या होता है? पीथियम इंटरमीडियम। ये ऐसी स्पीसीज है दोनों तरह से अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सामान्य दशाओं में कंप्लीट करता है। ठीक, इतना हो गया। अब ये देखते हैं कि पीथियम के कुछ और विभिन्न स्पीसीज हैं जो कई प्रकार के क्या करते हैं, कई प्रकार के फिलामेंटस स्पोरेंजियम बनाते हैं। ठीक, लोबडेड स्पोरेंजियम बनाते हैं और कभी कभी ये ग्लोबल या फिर कह लो स्फेरिकल स्पोरेंजिया बनाते हैं। तो अलग अलग स्पीसीज जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो इतना तो हो गया इसके इंट्रोडक्शन पॉइंट्स में। आप देख लेते हैं लाइफ साइकिल क्या कह रहा है। अब हमको पता है कि फिगर नंबर ए को ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये क्या है, फिगर नंबर ए है, ये कोई सोमेटिक हाइफा है। किसका? पीथियम का कोई सोमेटिक हाइफा है। जब ये तेजी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, तेजी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है सेफ्रोफाइटिक का, जहां पर यह पाया जाता है वहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के बाद धीरे धीरे इसके एक किनारे से क्या होता है, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्पोरेंजियम या जो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है ये हाइयर मटेरियल या फिर हाइयर न्यूट्रिशन मटेरियल एब्जॉर्ब करने के वजह से होता है। ठीक, जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होता है, इसमें एक और स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन होती है और यहां पे हम देखते हैं कि वेसिकल बन जाता है, एक नया वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। इसे हम यहां पे हम छोटा सा देखेंगे, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर ये क्या करता है, इसमें हमारे छोटे छोटे जू स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? छोटे छोटे जू स्पोर बनते हैं। ये जू स्पोर आगे चल के क्या करते हैं, मैच्योर जाते हैं। मतलब फिगर नंबर इसको ए माने, इसको हम फिगर नंबर बी कर लें, इसको सी कर लें, तो फिगर नंबर डी में क्या देखेंगे, फिगर नंबर डी में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे जू स्पोर होते हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होते हैं। जैसे जैसे न्यूट्रिशन मिलता जाता है वैसे वैसे स्पेशली नमी आती रहती है, न्यूट्रिशन के साथ साथ ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं। जब ये जू स्पोर सही तरीके से मैच्योर जाता है न्यूट्रिशन को लेके, तो फिगर डी के बाद फिगर जो हमारा स्पेशल ई आता है, पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो स्पेशल जो स्पोर होता है वो तेजी से क्या करता है, ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने के साथ स्फुटित होकर यानी हमारा जो स्पोरेंजिया जो होता है वो डाइहेंस होता है। क्या होता है? डाइहेंस हो जाता है, मतलब टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। और वहां से टूटने के बाद क्या करता है, जो स्पोर बाहर चले जाते हैं, ढेर सारे जो स्पोर होते हैं जो बाहर चले जाते हैं। फिगर ए के बाद फिगर एफ में हम ये देखते हैं कि हमारे जो स्पोर होते हैं वो स्पेशल कैसे होते हैं, इनसेटेड होता है, कैसे होते हैं, इनकस्टेड हो जाते हैं। इनपे क्या होता है कि इनमें एक लेयर लग जाता है। ठीक, एक लेयर के साथ ये बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद धीरे धीरे ये जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है वैसे वैसे ये क्या करते हैं, अब जर्मिनेटेड हो जाते हैं। कैसे होते हैं? जर्मिनेशन में आ जाते हैं और जर्मिनेट होकर एक नए सोमेटिक हाइफा का निर्माण करते हैं। यही हमारे होते हैं स्पेशल इनका लाइफ साइकिल। तो आप एक क्या करिएगा, एक प्यारा सा इसका स्क्रीनशॉट कवर करिए, फिर हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी पीथियम के बारे। चलो स्टूडेंट, तो आप देख लेते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं फिगर यहां पे कंप्लीट कर दिया हूं जो सारे के सारे लाइफ साइकिल को क्लियर करता है। तो अब देखेंगे क्या हम इसी पीथियम के बारे में कि उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट करता है। अभी हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पेशल थ्योरी जो हमारा था, उसके साथ साथ हमने ग्राफ देखा था, तो अब मतलब एक फिगर देखा था। तो अब भी क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहले हम एक छोटा सा थ्योरी देखेंगे, उसके बाद क्या थ्योरी में कहता है उसको कंप्लीट करने के बाद देखेंगे फिगर कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, नोट करना होगा तो आप, मैं बोलता जाता हूं आप नोट करिएगा। ये देखा जाता है कि जो पीथियम होता है, पीथियम में स्पेशल जो रिप्रोडक्शन होते हैं एसेक्सुअल के बाद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो स्पेशल ओओगैमेट्स द्वारा होते हैं। कैसे होते हैं? ओओगैमेट्स द्वारा होता है, लेकिन इनकी जो कुछ अधिकांश या कुछ जातियां कह लो, कुछ अधिकांश स्पीसीज जो होते हैं वो स्पेशल कैसे होते हैं, होमोथैलिक होते हैं। इसको समथैलिक के नाम से जानते हैं, होमोथैलिक होती है, बट कुछ जो स्पीसीज होती हैं वो कैसी होती हैं, वो हेट्रोथैलिक के फॉर्म से होती हैं। हेट्रोथैलिक मतलब विषम, इसको कहते हैं विषम थैलिक के फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ जो होंगे वो होमोथैलिक होंगे, कुछ जैसे डिफरेंट या फिर कह सकते हो हेट्रोथैलिक के फॉर्म में नजर आते हैं। एक चीज आपको याद रहे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर समय स्पेशल ओओगैमेट्स द्वारा कंप्लीट होता है पीथियम के अंदर। इतना तो क्लियर करने के बाद तो हमको सबसे फर्स्ट हेडिंग यहां से निकल के आता है कि हम चार छोटे छोटे हेडिंग्स को पढ़ेंगे। चार तो वैसे नहीं, दो ही को पढ़ लो, एक मेल को पढ़ लो, एक फीमेल को पढ़ लो, एक फर्टिलाइजेशन पढ़ लो, क्लियर होता है। चौथे में हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद जर्मिनेशन होता है, उसको तो हम क्लियर कर लेंगे। तो तीन हेडिंग हम पहले क्लियर करेंगे। एक पढ़ेंगे अंडधानी, यानी जो हमारा मतलब स्पोरेंजिया था, यहाँ पे जो हमारा गैमेट्स है या कह ले ओओगैमेट्स को सही तरीके से कंप्लीट करता है। क्या करता है? ओओगैमेट्स को कंप्लीट करने के जो हमारा ओ स्पोर बन रहा है, क्या बन रहा है,
ओ स्पोर बन रहा है, इसको हम अंडधानी जब कहते हैं, क्या कहते हैं, ओजिनियम कहते हैं। तो ओजिनियम को सही तरीके से देखने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए हमको छोटे छोटे टॉपिक को डील करना पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे एंथेरेडियम को, किसको देखेंगे, एंथेरेडियम को। तो हम ओ स्पोरेंजियम देखते हैं, स्पोरेंजियम तो यहाँ बनता नहीं, स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ होता नहीं। जो ओ स्पोरेंजियम बनता है उसके बाद जो एक्टिविटी होती है उसको सही तरीके से कंट्रोल करना होता है, ठीक। अब ये देखा जाता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फिर हमारा ओजिनियम है, क्या है, ओजिनियम है, वो स्पेशल फंगस के, जो हमारे फंगस होते हैं उसके एपिकल सेल्स पोर्शन पे, कह लो क्या करते हैं, एपिकल पोर्शन पे एक स्पेशल छोटा सा गोलाकार संरचना डेवलप होता है, मतलब स्फेरिकल स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है। और इस स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं कि ढेर सारे पाली निकुलियाई कह सकते हो, कैसे कहते हो, पाली या मल्टी निकुलियाई होते हैं, क्या होते हैं, पाली और मल्टी निकुलियाई होते हैं। और इनका जो आउटर क्या होता है, आउटर प्लाज्म होता है, कह लो कि बाहर की तरफ जो प्लाज्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल उसको पेरिप्लाज्म के नाम जानते हैं, वही इनर प्लाज्म होता है उसको ओप्लाज्म के नाम जानते हैं, क्या करते हैं, ओप्लाज्म के नाम जानते हैं। आपको फिगर दिखाना चाहूंगा, ये देखो आपको दिख रहा है, ये जो है वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे ओजिनियम की बात कर रहा है, ठीक। ओजिनियम के बाद यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये पाली न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियाई की बात कर रहा है, मल्टी न्यूक्लियाई पाली प्लाज्म की बात कर रहा है। देखो ये अंदर की ओर जो प्लाज्म भरे जाएंगे इनमें, ये इनको हम कहते हैं क्या, बाहर की ओर, मतलब ये जो होंगे इनको हम कहते हैं ओप्लाज्म, जो बाहर के होते हैं उसको हम पेरिप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इस चीज को क्लियर करिएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो ओजिनियम है, ओजिनियम में स्पेशल जो न्यूक्लियाई संख्या होती है वो काफी अधिक होती है, और इनके जो प्लाज्म होते हैं वो टू पार्ट में डिवाइड होते हैं, बाहर की ओर जो होता है उसको पेरिप्लाज्म और अंदर की जो होता है उसको हम यहाँ पे ओप्लाज्म के नाम जानते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब ये देखा जाता है कि जो दोनों भाग होते हैं क्या होते हैं, दोनों भाग में जो जीवद्रव्य होते हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्पेशल मल्टी न्यूक्लियस होता है, कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लियस होता है, बट कुछ सामान्य दशा में क्या होता है, बट देखा जाता है कि आगे चलते चलते जब न्यूट्रिशन सही तरीके से कंप्लीट करता है, ठीक, तो कुछ सामान्य दशाओं में या कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में ये देखा जाता है कि इसके जो पेरिप्लाज्म होता है, क्या होता है, इसका जो पेरिप्लाज्म होता है उसमें तो न्यूक्लियस रहते हैं, बट इसका जो अंदर वाला, ये कह सकते हो कि अंदर वाला मतलब ओप्लाज्म होता है, उसमें केवल एक ही न्यूक्लियस बचता है, क्या बचता है, उसमें एक ही न्यूक्लियस बचता है, जैसे यहां फिगर नंबर अगले बता रहा है। देखो मैं यहां से स्टार्ट किया हूं, याद करिएगा, ये नंबर एक है, ठीक, हमने नंबर एक में सोमेटिक देखा, नंबर टू में स्पेशल देखा कि यहाँ ओजिनियम का फॉर्मेशन हुआ, नंबर थ्री में हमने ये देखा कि ओजिनियम के साथ साथ क्या हुआ कि उसमें मल्टी न्यूक्लियस ओप्लाज्म पाया गया, और इसी ओप्लाज्म में क्या हुआ कि कंडीशंस जाने के बाद, कुछ लंबे समय बीतने के बाद उसमें एक ही न्यूक्लियस बचता है, और जो न्यूक्लियस बचता है ये वाला न्यूक्लियस हमारा फीमेल हो जाएगा, ये वाला न्यूक्लियस मेल हो जाएगा, ठीक। तो ये मेल और फीमेल फंक्शनल न्यूक्लियस बचता है, क्या बचता है स्टूडेंट, फीमेल फंक्शनल न्यूक्लियस बचता है जो एक स्थिति को क्लियर करता है। अब कई साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि सारे न्यूक्लियाई हमारे क्या करते हैं, पेरिप्लाज्म में, यानी जो पेरिप्लाज्म होता है उसमें चले जाते हैं, केवल एक ही न्यूक्लियस हमारा ओप्लाज्म में बचा रहता है, ठीक। अब देखो जब हमारा एक ही प्लाज्म बचा तो ऐसा माना जाता है कि जो ये प्लाज्म होता है वो स्पेशल फीमेल, क्या होता है, फीमेल गैमेट या फिर कह लो इग के तरह कार्य करता है, कैसा करता है, फीमेल गैमेट या इग की तरह कार्य करता है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि इसमें फीमेल गैमेट या इग नहीं पाए जाते, यहाँ पे क्या होता है, फीमेल फंक्शनल न्यूक्लिया होता है और मेल फंक्शनल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक। इस चीज को आपको याद रहना चाहिए। तो देखो अब ये देखते हैं कि अब जो हमारा ये हमारा न्यूक्लियस पाया जा रहा है, जो फंक्शनल न्यूक्लियस है, फिगर नंबर फोर में याद करिएगा कि जो फिगर नंबर फोर है, फिगर नंबर फोर में जो फंक्शनल न्यूक्लियस पाया जा रहा है ये स्पेशली और कैसा, फीमेल गैमेट की तरह काम करेगा या एक की तरह काम करता है, ठीक, इस चीज को याद रहेगा। अब जो पेरिप्लाज्म है क्या है, पेरिप्लाज्म के आगे भी सभी जो न्यूक्लियस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं, ऐसे कह सकते हो, डेड हो जाते हैं, ठीक, वो नॉट मतलब वर्किंग में नहीं होते, फंक्शन में नहीं होते, फंक्शन में केवल फीमेल होगा, ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। तो इतना हम पढ़े, यहां तक हमने देखा क्या कि ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ये केवल नंबर फोर तक स्पेशल फीमेल फंक्शनल न्यूक्लियस तक कम काम किए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट में देखते हैं यहाँ पे कि मेल, मेल मतलब एंड्रोसियम की बात करेगा, एंड्रोसियम कैसा होगा, इस चीज को याद रखिएगा। जो एंड्रोसियम होता है क्या होता है, एंड्रोसियम होता है एक फुली हुई, एक कह लो गदा जैसा, बजरंगबली के गदे
पौधे जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे छोटा सा, ये फीमेल जैसे हमारे कंप्लीट कर देते हैं वैसे मेल क्या करता है अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंप्लीट करेगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, इस चीज को याद रखिएगा, ये हमारा मेल हो जाएगा, ये हमारा फीमेल था। तो ये दोनों और क्या करता है, मेल एंड्रोसियम चिपक जाता है, क्या करता है चिपक कर एक संरचना बनाता है किसके साथ, मेल और फीमेल के साथ। ठीक, अब ये देखते हैं कि इनका जो डेवलपमेंट होता है क्या होता है, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो स्पेशल फिलामेंट के द्वारा होता है, मतलब फंगस फिलामेंट कह सकते हो, फंगस फिलामेंट या फंगस माइसिलियम के एपिकल साइड पे देखा जाता है, क्या होता है फंगस और जो हमारे माइसिलियम होते हैं उनके एपिकल साइड पे देखा जाता है, और स्पेशल जो एंड्रोसियम को ग्रहण करने वाले धारण करने वाले स्पेशल हमारे माइसिलियम होते हैं उन वो क्या करते हैं, जो हमारा ऊजनियम था ऊजनियम से चिपक जाते हैं, क्या करते हैं ऊजनियम के ऊजनियम से चिपक जाते हैं, और चिपकने के साथ साथ वो दोनों जो फंगस होते हैं वो काफी पास चले आते हैं, क्या करते हैं काफी क्लोज चले आते हैं, पहले तो फॉर्म में अलग अलग होते हैं बट धीरे धीरे वो पास चले आते हैं। जब स्टूडेंट वो धीरे धीरे पास चले आते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि ये पुंधानी का डेवलप करते हैं, मतलब जैसे स्त्रीधानी होता है वैसे पुंधानी के और चारों ओर कह सकते हो कि हमारा जो ऊजनियम था ऊजनियम के चारों ओर एंड्रोसियम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, अब ये देखा जाता है कि जो एंड्रोसियम एडल्ट होता है क्या होता है, एंड्रोसियम यदि एडल्ट होता है डेवलप हो जाता है तो उसमें पर्टिकुलर देखा जाता है कि एंड्रोसियम में पाली न्यूक्लियस बनते हैं, क्या बनते हैं एंड्रोसियम में पाली न्यूक्लियस या फिर मल्टी न्यूक्लियस कह सकते हो, कि इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा, क्या होगा ढेर सारे हमारे न्यूक्लियस होते हुए नजर आएंगे, जैसे मैं यहाँ पे बनाया हूँ दो तीन तो बना ही दिया हूँ और बना लो। ठीक, ये क्या करेंगे, ये एंड्रोसियम बनेगा, ये एंड्रोसियम कैसा होगा स्टूडेंट, एंड्रोसियम स्पेशल पाली न्यूक्लियस होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये कैसा होंगे, पाली कह सकते हो या फिर मल्टी कह सकते हो, इसको भी क्या कर सकते हो, इसको भी मल्टी कर लो, मल्टी न्यूक्लियस या न्यूक्लिएटेड हमारा क्या होगा स्पेशल एंड्रोसियम होगा। ठीक, अब देखो इतना क्लियर करने के बाद हम इसको जब क्लियर कर लेते हैं तो ये देखते हैं कि अब सही तरीके से ये परिपक्व हो जाता है, क्या होता है परिपक्व मतलब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद ये क्या करता है, इनके एक न्यूक्लियस, बाकी सब तो न्यूक्लियस तो खराब हो जाते हैं बट एक न्यूक्लियस क्या करता है सेंट्रल पॉइंट्स को छोड़कर, क्या करता है सेंट्रल पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सब जो न्यूक्लियस होते हैं वो डाइहेंस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बट जो एक न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है स्पेशली और सूत्री विभाजन यानी मियोसिस की एक्टिविटी करता है, क्या करता है मियोसिस की एक्टिविटी करके चार छोटे छोटे हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। इस चीज को याद रहे कि ये आगे जाएगा, यहाँ पे दो ही बना है, ये आगे चल के क्या करेगा छोटे छोटे चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। इस चीज को याद रहना चाहिए कि चार मियोसिस की एक्टिविटी करेगा और चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। ये हुआ फिगर नंबर 4 के साथ। ठीक, ये देखो अब फंक्शनल काम करेगा, अभी हम आगे चलेंगे देखेंगे। हमने दो हेडिंग्स देख लिया, कौन ऊजनियम की बात किया और एंड्रोसियम की बात किया। अब आगे बात करते हैं स्पेशल फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन का जो एक्टिविटी है वो कैसे कंप्लीट होता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो हमारे स्पेशल और यहाँ पे एंड्रोसियम बनता है, क्या बनता है ये हमारा एंड्रोसियम हो गया और हमारा स्पेशल क्या बना यहाँ पे ऊजनियम की बात किया, इसको आप कर सकते हो कि ये क्या है स्पेशली हमारे पास बन रहा है। ठीक, ऊजिनियम और एंड्रोसियम के एक एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक, फर्टिलाइजेशन करने के बाद फर्टिलाइजेशन करने से पहले सारे के सारे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और दोनों की जो दीवारें होती हैं कैसी होती है, दोनों की दीवारें होती हैं, देखो यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ठीक, ये जो दीवारें होती हैं वो क्लोज होती है, यहाँ पे तो मैं क्लोज किया हूँ, यहाँ पे भी क्लोज होती हैं, क्या होती हैं यहाँ पे भी ये क्लोज होती हैं। जब दोनों की दीवारें क्लोज होती हैं वो धीरे धीरे जो उनका वाल जो होता है वो पतली होती है, क्या होती है पतली होती है। अब जब फर्टिलाइजेशन के पूर्व क्या होता है इनकी जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, आपको दिखाई तो दे रहा होगा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब हमने बनाया नहीं बट ये ध्यान दीजिएगा ये जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। अब जब फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो हमारा ऊजनियम है क्या होता है ऊजनियम में स्पेशली या ऊजनियम के जो स्पेशल पेरीप्लाज्म है क्या है ऊजनियम का जो स्पेशल पेरीप्लाज्म होता है पेरीप्लाज्म में या पेरीप्लाज्म को भेदते हुए मतलब पेनिट्रेट करते हुए स्पेशली हमारा जो क्या होता है यहाँ पे हमने देखा था किसके बारे में हमने देखा था ऊप्लाज्म या ऊप्लाज्म के बारे में देखा था। पेरीप्लाज्म को पेनिट्रेट करके ऊप्लाज्म में प्रवेश कर जाता है, क्या करता है एंट्री करता है, कौन करता है स्पेशल मेल का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करेगा पेरीप्लाज्म को पेनिट्रेट करके भेदन करके स्पेशली क्या करेगा ये पेरीप्लाज्म होंगे किनारे किनारे होगा
थिक, ध्यान दीजिएगा, ये किनारे किनारे पेरिप्लाज्म होगा, पेरिप्लाज्म को पेनिट्रेट करके जो न्यूक्लियस होता है वो अंदर की ओर स्पेशली इसके ऊ प्लाज्म में चला जाता है। अब जब ऊ प्लाज्म में इसका न्यूक्लियस चला जाए स्टूडेंट, तो अब क्या होगा, अब पता है कि ये स्पेशल जो हमारे एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम में चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे, कैसे थे, चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे, ऐसे कह सकते हो कि ये एन के फॉर्म में थे। जब ये एन के फॉर्म में थे, M नहीं है, N है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, N के फॉर्म में थे, तो जो N के फॉर्म में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं उनमें से केवल जो एक न्यूक्लियस होता है क्या करता है, उनमें से एक न्यूक्लियस ही अंदर जाता है। जो न्यूक्लियस अंदर जाता है हम उन्हें मेल फंक्शनल न्यूक्लियस के नाम जानते हैं, जैसा मैं यहां पे लिखा हूं कि मेल फंक्शनल न्यूक्लियस के फॉर्म में अंदर जाता है। अब देखो मेल ऑफ फंक्शनल न्यूक्लियस पहुंच गया, उसके पहले हमारा फीमेल फंक्शनल न्यूक्लियस था, दोनों फीमेल और मेल फंक्शनल न्यूक्लियस क्या करते हैं, आपस में संयोजित होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी करते हैं, और फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी करने के बाद जो उनका पेरिप्लाज्म होता है, पेरिप्लाज्म में उपस्थित जो स्पेशल न्यूक्लियस होते हैं वो सारे के सारे डाइहेंस हो जाते हैं, मतलब विखंडित होकर टूट जाते हैं। इतना क्लियर हो गया, ठीक, हमने फिगर नंबर 4 को देखा। अब बात करते हैं फिगर नंबर 5 की, क्या करते हैं स्टूडेंट, फिगर नंबर 5 की बात करते हैं। अब देखो इतना हमने क्लियर कर लिया, अब फिगर नंबर 5 में ये देखा जाता है कि हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया है, क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ईग होता है, जो अंडे होते हैं, या फिर कह लो कि मेल गैमेट होता है, वो तो हमारा मिल गया। अब जो फीमेल गैमेट है वो अपने चारों ओर एक दोहरी सी लेयर बनाती है, एक दोहरी सी वॉल बनाती है, जिसे हम ऊ क्या कहते हैं, OS4, क्या कहते हैं, OS4 के नाम से जानते हैं, तो यहां से वो 4 के नाम से जानते हैं इसको। तो ये क्या करेगा, अपने चारों ओर मोटी सी लेयर को डेवलप करेगा, क्या करेगा, एक मोटी सी लेयर को डेवलप करेगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। जब ये मोटी सी लेयर डेवलप हो जाती है तो आगे देखा जाता है कि इनमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स होता है, उसकी जो अपर्याप्त मात्रा है, मतलब जो स्पेशल उसकी जो एनर्जी चाहिए उतनी मात्रा को क्या करता है, स्टेबल कर लेता है, क्या करता है, स्टेबल कर लेता है, और स्टेबल करने के बाद यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये स्पोर की बात कर रहा है, यहां पे क्या है, ओजुनियम की बात कर रहा है, ओजुनियम यहां पे हो गया। अब देखो यहां पे क्या कर रहा है, सही तरीके से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया, फिगर नंबर 6 देख लेते हैं, यहां पे फर्टिलाइजेशन के बाद ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो स्पेशल देखा जाता है कि दो कंडीशन यहां होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट, दो कंडीशन होते हैं, एक हायर टेंपरेचर कंडीशन होता है और एक लोअर टेंपरेचर कंडीशन होता है। मतलब जब हायर टेंपरेचर कंडीशन मिलता है 28 डिग्री एबव मिलेगा, क्या मिलेगा, 28 डिग्री से जब अधिक टेंपरेचर मिलता है तो वो डायरेक्टली जो हमारा ओज नियम होता है वो फूड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके तेजी से जर्म ट्यूब बनाकर स्पेशल सोमैटिक बॉडी में चेंज होता है, क्या होता है, सोमैटिक बॉडी में चेंज हो जाता है, ठीक। आप इससे हाई टेम्परेचर में जाओगे तो ये फिगर नंबर 7 हो जाएगा, ये इसके लिए फिगर नंबर 1 हो जाएगा, ऐसे क्लियर हो जाएगा, मतलब लाइफ साइकिल बस इतना ही बचेगा। बट जब लोअर टेम्परेचर होता है, सर्दी के दिन होता है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो लोअर टेम्परेचर 10 से मतलब 70 डिग्री सेल्सियस होता है, उस समय क्या होता है, स्पेशल एक ट्यूब का निर्माण होता है, क्या होता है, एक ट्यूब का निर्माण होता है, उस ट्यूब में हमारे ढेर सारे क्या बनते हैं, स्पोर, यानी जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जू स्पोर आगे चलकर डाइहेंस होते हैं, क्या होते हैं, आगे चलकर डाइहेंस होते हैं, डाइहेंस होने के बाद स्पेशल क्या बनता है, ये फिगर नंबर 7 हो जाएगा इसके लिए, लो टेंपरेचर के लिए। फिगर नंबर 7 में क्या होते हैं, स्पेशल इनवियास से सारे के सारे जू स्पोर ऊपर की ओर जाते हैं, जू स्पोर क्या करता है, यहां से डाइहेंस होंगे, मतलब ये जो दीवाले होगा वो पूरी तरीके से, दीवाल जो होगा वो टूट जाएगा, क्या होगा, ये जो दीवाल होगा वो पूरी तरीके से डाइहेंस हो जाएगा, और इनके बाद इनके जो क्या होती है, और सारे के सारे जू स्पोर होते हैं वो बाहर की ओर निकल जाएंगे, क्या करेंगे, बाहर की ओर निकल जाएंगे। जब जू स्पोर बाहर की ओर निकलते हैं तो फिगर नंबर हमारा क्यों क्लियर होता है, यहाँ पे फिगर नंबर 8 बनता है। फिगर नंबर 8 में जू स्पोर आता है जो फैजिलेटेड होता है, कैसा होता है, फैजिलेटेड होता है। अब जू स्पोर फैजिलेटेड के बाद अगले नंबर पे फिगर नंबर 9 में क्या करता है, ये जू स्पोर कैसा हो जाता है, डाई फैजिलेटेड होता है, कैसा होता है, डाई फैजिलेटेड हो जाता है, और डाई फैजिलेटेड होने के बाद वो क्या करता है, फिगर नंबर 10 में जर्मिनेटेड जू स्पोर का निर्माण करता है, और ये जर्मिनेटेड जू स्पोर जो करता है वो आगे चलकर स्पेशल सोमैटिक बॉडी का निर्माण करता है, यानी हमारा सही तरीके से रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक। इतना हमने देख लिया स्पेशल इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो दोनों लाइफ साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है। ये कह ले कि आज के क्लास से हमने क्या देखा, स्पेशल पीथियम का सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन को देखा, मैंने दोनों का लाइफ साइकिल बना दिया हूं, ये पेपर में आता रहता है स्टूडेंट, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक, बहुत ही बेसिक चीज है, आप कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक।
तो स्क्रीनशॉट तो आप पहले ही कर चुके होंगे। देखो मैं भूलना मतलब बताना आपको भूल जाता हूँ, आप जब मैं आता हूँ इसके उसके पहले कभी भी टाइम मिलता है तो आप स्क्रीनशॉट फिगर का एक दो ले, मैं कभी इधर हूँ तो फिगर आप इधर का शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, ठीक, मैं जब उधर जाता हूँ तो आप इधर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दोनों फिगर को लास्ट में कंप्लीट कर सकते हो सही तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।